मेरी प्राथमिकता रहेगी जो दलित समाज को केजरीवाल सरकार के द्वारा जो छला गया है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना, दलितों के हितों की बात करना, दलितों को बीच में पार्टी की विचारधारा को लेकर जाना। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली के दलित नेता भूपेंद्र गुठवाल को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज हम इनसे बात करेंगे दिल्ली के राजनीति के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या आगे की आपकी पार्टी की रणनीति होगी? पार्टी की रणनीति कुछ नहीं है, दलितों के बीच में पार्टी पहले भी काम कर रही थी। अब आदेश गुप्ता जी के आने के बाद उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं पार्टी की विचारधारा को दलितों के बीच में लेके जाने के और ज़्यादा प्रयास करूँगा। गुठवाल जी, आपकी नज़र में दिल्ली बीजेपी की कमान आपको सौंपे जाने के पीछे क्या वजह रही और आप पार्टी ने क्या सोचकर आपको यह जिम्मेदारी दी है? पार्टी इस बार नए लोगों को मौका देना चाहती थी। पार्टी में मैं 21 साल से विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था, उन्होंने मेरा वहाँ भी काम देखा है, संगठन का अनुभव भी है। 8 साल तक एबीपी में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद पार्टी ने लगा कि भाई इस स्थान के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मुझे स्थान दिया। बतौर अध्यक्ष आपकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी जो दलित समाज को केजरीवाल सरकार के द्वारा जो छला गया है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना, दलितों के हितों की बात करना, दलितों को बीच में पार्टी की विचारधारा को लेकर जाना। सर, सामने एमसीडी चुनाव है 1.5 साल बाद, और सर कितनी तगड़ी फाइट होगी आपकी आम आदमी पार्टी से? कोई फाइट नहीं हमारी, आम आदमी पार्टी के लोग समझ चुके हैं उसके बारे में, उसके झूठ के बारे में जान चुके हैं। ऐसे कोरोना काल जैसी बीमारी के समय भी वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के इस काम में लगा रहा उसने, ये तो हमारे पार्टी के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी अगर नहीं संभालते कमान तो शायद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को इतनी अच्छी स्थिति में दिल्ली आती। बीजेपी के नेता के हर बड़े नेता के सामने चुनौती है सर, पार्टी में मनमुटाव है लेकर के। कौन कह रहा है, ये सब अफवाहें हैं, पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, पार्टी पूरी एकता के साथ लगी हुई है, काम कर रही है। कोरोना काल में भी आपको, अगर आप मीडिया के लोग हो, आप भी पूरी दिल्ली में घूमते हो, आपको जहाँ दिखता होगा सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो इस समय पर लोगों की मदद कर रहा हो। दिल्ली में कांग्रेस की अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से भी आपको कोई चुनौती मिल सकती है? कांग्रेस को तो हम गिनते ही नहीं कहीं, ना कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी, कोई एमसीडी चुनाव में कोई टक्कर में है ही नहीं। भाजपा पूरे बहुमत के साथ आएगी और तीनों निगम में अपनी सरकार बनाएगी। सर, हाथरस में जो गैंग रेप मामला हुआ है इसे किस रूप में देखते हैं आप इसे? भैया, इसमें आपकी सच्चाई को अब ये सारी तरह से अवगत है, ये मामला सीबीआई को जांच को जा चुका है, कल से सीबीआई ने चार्ज भी ले लिया है। और इस मामले को कांग्रेस के पास अभी विपक्ष के पास कोई और मुद्दा तो था नहीं, मोदी जी को, योगी जी को, किसी को, पार्टी को घेरने का। उनको ये झूठा मामला मिला जिसमें वो खुद ही उसको प्रायोजित करके करवा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वहाँ पर लोगों में कोई ऐसा पार्टी को ले, नेतृत्व को लेकर सरकार के लिए कोई नाराजगी नहीं। पार्टी इसको, आपको 2-4 दिन में सीबीआई की रिपोर्ट शाम हो जाएगी, आप एसआईटी टीम भी गठित हो गई है, योगी जी ने तुरंत परिवार से उनके बात भी की, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, पार्टी चाहे उसमें कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, कृषि बिल को लेकर के सर क्या सोचते हैं आप? सर, कितना फ़ायदा होगा किसानों को? ये तो आप किसानों से पूछो ना, किसानों इतने इस बिल से इतने उत्साहित है, इतने खुश हैं। आज भी पूरी दिल्ली के हमारे सारे आउटर दिल्ली में जो हमारे किसानों की जो क्षेत्र हैं वहाँ खुशी की लहर है, जगह जगह कोई ट्रैक्टर यात्रा कर, कोई ट्रैक्टर रैली करके पार्टी को शुभकामना दे रहा है, कोई छात्र, कोई किसान इकट्ठे होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर आए, उनको शुभकामना दी उन्होंने और अच्छे बिल लाने के लिए धन्यवाद दिया। सर, ट्रैक्टर तो कांग्रेस ने भी जलाया था इंडिया, वो तो जलाया था ना, वही ट्रैक्टर दिल्ली में भी जल रहा था, वही ट्रैक्टर पंजाब में भी जला के दिखा रहे थे, एक ही ट्रैक्टर को 10 बार जला के दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व की इतनी हीनता हुई है इस समय कि उन लोगों के पास और कोई विषय मिल नहीं रहा, इसलिए जबरदस्ती के झूठ लोगों के बीच में बरगला रहे हैं लोग। सर, अगर हम देखें तो सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दिया जा रहा है और भाजपा में आपकी सरकार है एमसीडी में, आपको भी जानकारी होगी कि सैलरी या निगम को चलाने के लिए दिल्ली सरकार से फंड्स मिलता है,
पीछे से दिल्ली सरकार ही जब फंड रोक के बैठी है कोरोना का बहाना बना के, जबकि वो अपने एमसीडी में अब सरकार के पैसे देने के बजाय अपने सरकार के झूठे इश्तहार बनवा रही है, अपना जो भी प्रचार प्रसार में वो पैसा खर्च करिए, इतने पैसों से अगर वो बेचारे निगम मुख्य कर्मचारियों की तनख्वाह दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, निगम के अस्पतालों की जो बदहाल स्थिति है उस पर आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है कि वो हॉस्पिटल भाजपा नहीं चला पा रही, एमसीडी नहीं चला पा रही, तो क्यों उसको दिल्ली सरकार के अंदर कर दिया जाए? ये सब झूठी बातें हैं, कोई ऐसी स्थिति बेकार नहीं है। आप जाके निगम के इस हालत तो देखिए एक बार, निगम के बिल्कुल, निगम ने तो इतनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा है, जबकि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कोई जाके कोरोना का इलाज कराने को तैयार नहीं है। वहाँ पे लोगों को यही डर लग रहा है कि अब मरे या कब मरे, तो इसलिए निगम के इस हॉस्पिटलों में, इंदूराव हॉस्पिटल हो गया या JTV हॉस्पिटल हो गया, दो तीन हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूँ, मेरे परिचितों से मिल के भी आया हूँ, कई लोग सब खुश हैं वहाँ। ये देख रहे थे जनमत की पुकार।